दस्तावेज लगाकर फार्मेसी पंजीकरण का खुलासा हुआ है और यूपी में दूसरे प्रदेशों का फार्मेसी पंजीकरण का खुलासा। यूपी के दवा कारोबार में घुसने और अस्पतालों के साथ कंपनियों में नौकरी पाने के लिए बड़ा खेल हुआ। यूपी के साथ राजस्थान, एमपी, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड के संस्थानों के नाम से लगाए गए फर्जी दस्तावेज। सबसे अधिक दस्तावेज राजस्थान के संस्थानों के नाम से फर्जी लगाए गए। यूपी फार्मेसी काउंसिल के वेरिफिकेशन में खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार भानु प्रताप सिंह ने लखनऊ के गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। फर्जी दस्तावेज लगाने वाले 50 आवेदकों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद बी फार्मा और डी फार्मा का कॉलेज से रिजल्ट मंगाएगा काउंसिल। वेरिफिकेशन में संबंधित संस्थाओं ने दस्तावेज फर्जी होने की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी दस्तावेज लगाकर फार्मेसी पंजीकरण का खुलासा हुआ है। यूपी में दूसरे प्रदेशों का फार्मेसी पंजीकरण का खुलासा हुआ और दवा कारोबार में घुसने के लिए बड़ा खेल किया गया। कंपनियों में नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा यहां पर किया गया। कई संस्थानों के नाम से फर्जी दस्तावेज लगाए गए। और ये किया गया महज दवा के कारोबार में घुसने के लिए, नौकरी पाने के लिए। उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के फार्मेसी पंजीकरण का मामला